सरगुजा संभाग का दूसरा जिला। टोटल कितने? छह। इसमें से इसको देखिए, इसका नाम है बलराम। नाम क्या है इसका? बलराम। ये इसकी सीमाएं हैं, देखिए। पहले लोकेशन ट्रेस हो गया, ये यहां पर है छत्तीसगढ़। बलरामपुर से छत्तीसगढ़ की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, ये देखो। पहले इसको ना सरगुजा से काट के 2012 में, कब? 2012 में इसको क्या बनाया गया? एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो इसका मदर डिस्ट्रिक्ट कौन हुआ? सरगुजा। कौन हुआ? सरगुजा। इसकी सीमाएं किसके साथ लगती? तो इधर देखो, सूरजपुर यहां पर लग रहा है सरगुजा, और ये है नीचे जसपुर। नीचे कौन सा है? जसपुर। तो कितने जिलों को टच करता है? तीन जिलों को। कितने जिलों को टच करता है? तीन जिलों को। ये जिलों के नाम याद रखना चाहिए आपको। धीरे 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 पूरा छत्तीसगढ़ का एक एक जिले का कौन कौन सा टच करता है, किससे साथ कनेक्ट होता है, ये याद करना है। 33 के 33 का, ठीक। तीन जिले और तीन राज्य, तीन जिला और तीन राज्य। कौन कौन से तीन राज्य हैं? देखिए, ये इतना वाला इलाका, ये दिख रहा है, ये इतना लगता है एमपी। ये इतना, बस ये इतना इलाका क्या लगा? एमपी। इतना पूरा लगेगा यूपी। एमपी के बाद क्या लगा? यूपी। और वहां से लेके पूरा यहां तक तो क्या है आपका? झारखंड। तो ये तो यही खत्म हो गया, ये पूरा सीमा इधर की किसके लगेगी? झारखंड से। तो तीन राज्य, तीन जिला, तीन राज्य। तीनों के नाम याद हुए? तीन जिला, तीन राज्य। तीन जिला, तीन राज्य। कौन कौन से जिला? ठीक, राज्यों की बात करेंगे तो कौन कौन से राज्य? ठीक, याद हुआ रे। ठीक है, ये आउटर हो गया। ये क्या हो गया इसका? आउटर। थोड़ा सा और ध्यान से देख, बता रहा हूं एक चीज। ये जसपुर पूरा, ये पूरा का पूरा जसपुर, ये दिख रहा है जसपुर। सरगुजा का ये वाला हिस्सा और बलरामपुर का ये वाला हिस्सा, इतने को एक कल मैं अलग से बोला फिजिकल रीजन, इतने को बोला जाता है एक अलग से भौतिक प्रदेश बताया मैं। नाम क्या है? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ये देखो, जसपुर यहां पर है और यहां पर पड़ेगा सामरी, इसलिए नाम पर, देखो बलरामपुर में पड़ रहा है, वो कहां पड़ रहा है, इसीलिए फिजिकल रीजन का नाम क्या बोल दिया गया? जसपुर सामरी। कैसा प्रदेश? पाट प्रदेश। ये पाट का मतलब आपको कल समझा चुका हूं, ठीक है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जैसे आपको पाट सुनोगे तो समझ जाना है वहां पर चट्टान कौन सा होगा। दक्कन ट्रेप। कौन सा होगा? दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप जैसे चट्टान सुनोगे तो सीधा आ जाना है मिट्टी पर। अगर ये दक्कन ट्रेप चट्टान घिसेगा तो कौन सी मिट्टी बनेगी? लेटराइट मिट्टी। अब अंदर में खुदाई होगा तो कौन सा खनिज का मिनरल्स क्या मिलेगा? बॉक्साइट। ये तीन कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते रहना चाहिए। और जो बच गया बाकी, ये जो क्षेत्र बच गया है, ये सब में गोंडवाना रॉक्स। कौन सा रॉक्स? चट्टान में मिलेगा गोंडवाना। ध्यान से अब गोंडवाना के बारे में एक दो बात समझना। जब भी मैं गोंडवाना रॉक्स बोलूंगा, गोंडवाना रॉक्स का सबसे मेन खनिज होता है कोयला। क्या? कोयला। गोंडवाना चट्टान बोला, इसका मतलब वहां पर खनिज क्या मिलेगा? कोयला। क्या मिलेगा? कोयला। और कोयला, कोयला तभी बनेगा जब किसी ना किसी का अवशेष दबा होगा। ये लिखने की बातें नहीं है, ये सब समझने की बातें हैं। किस कुछ ना कुछ नीचे अवशेष जानवर दबा होगा, या तो वनस्पति, ठीक है, पेड़ पौधे अंगल जंगल कुछ ना कुछ दबा होगा। तब क्या बनेगा वहां पर? मैक्सिमम पेट्रोलियम आपको मिलता है कई जगह पर, देखना, समुद्रों से।
या रेगिस्तानों से। पेट्रोलियम के अधिकतर भंडार या तो समुद्र है या क्या है, रेगिस्तान। तो पेट्रोलियम बन रहा है तो समुद्र के भीतर, तो ये समुद्र के भीतर भी जीव जंतु इतना बड़ा बड़ा सार्क से लेके दुनिया का कई प्रकार का जानवर, वहां पर अंदर में जंगल भी है, डिस्कवरी में देखकर तरह तरह का पेड़ कटा नीचे, तो सारी चीजें दबेगी। लेकिन एक दो साल का नहीं है, लाखों साल का प्रोसेस है, ठीक है। तो याद रखना है इनमें फॉसिल्स पाया जाएगा, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। तो गोंडवाना चट्टान की खासियत है उसमें क्या पाया जाएगा, फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म, ठीक है। ऊपर में क्या मिलेगा, कौन सा रॉक्स है, गोंडवाना। गोंडवाना की खासियत क्या होगी, वहां पर क्या पाया जाएगा, कोयला। तो दोनों मिलेगा इस जिले में, दोनों 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 प्रकार का आपको क्या मिलेगा, फॉसिल्स मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, बॉक्साइट भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा और बॉक्साइट मिलेगा। मात्र 12 तहसील है यहाँ, कितना तहसील है, 12, ठीक। चलो अब देखते हैं, ये नक्शा है इसका, बलरामपुर का, किसका, बलरामपुर का। ध्यान से मेरी बात देखना है आपको, ये जो नक्शा कटा हुआ है, ये देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो छोटा सा क्षेत्र बचा हुआ है, यहीं पर पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश। क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश। ये दिख रहा है इतना एरिया, इतना एरिया टच होगा किससे, मध्य प्रदेश से। ये इतना एरिया टच होगा यूपी से, ये पूरा इतना यहां से लेकर के यहां तक क्या मिलेगा, पी। इसके बाद पूरा का पूरा इधर क्या मिलेगा, ये पूरा झारखंड यहां से लेकर के यहां तक, तीन राज्य हो गया। नीचे की बात करते हैं तो ये अपन जसपुर जानते हैं, जसपुर के जस्ट बाजू में यहां पर पड़ेगा सरगुजा, और ये वाला पूरा क्या है, तीन जिले तीन राज्य, तीन जिला और तीन राज्य, तीन जिला तीन राज्य, कोई दिक्कत किसी को। ये वाला क्या है, मध्य प्रदेश, ये वाला क्या है, उत्तर प्रदेश। ये देखो यहां से यहां तक क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर ये यहां से यहां तक क्या है, झारखंड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इधर देखिए, ये है 23.5, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के अब कितने जिलों से होकर गुजरती है, चार। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है, चार। कर्क रेखा कितने डिग्री पर खींचा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटिट्यूड 23.5, नॉर्थ लेटिट्यूड आ चुका हूं ज्योग्राफी में, 23.5 नॉर्थ लेटिट्यूड। और क्वेश्चन देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अब इधर आओ, ये वाला, ये छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप मोस्ट फाइनल, ये है 24.5 डिग्री ये लकीर, और ऐसे क्या गुजर चुका है, ये है तेरा कर्क रेखा 23.5। तो कर्क रेखा यहां से गुजरती है। अब ये सबसे आखिरी पॉइंट क्या है छत्तीसगढ़ का, ये 24.5 डिग्री। अब ये बताओ, ये अक्षांश रेखा है कि देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, तो सबके साथ लगेगा उत्तरी अक्षांश। क्या लगेगा, ये सब कारण बता चुका हूं क्यों उत्तरी अक्षांश लगेगा, ठीक है। और जो YouTube में देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके
ग्लोब वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हाँ चल 24.5, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपरी पॉइंट है। यहां पर अपने को एक तहसील पड़ेगा, रामानुज नगर। कौन सा नगर? रामानुज नगर। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे या सबसे पिक पर कौन सा तहसील है? तहसील का बात करेगा तो रामानुज नगर तहसील सबसे पिक पर। और साथ में यहीं पर याद रखना है एक गांव का नाम है सुंदरी। गांव का नाम क्या है? सुंदरी। छत्तीसगढ़ का यूपी बॉर्डर पर टच होने वाला या छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन सा गांव? सुंदरी। सबसे साउथ ईस्ट में कोंटा। सबसे साउथ ईस्ट में ये सुंदरी गांव, ठीक है। चल फिर मेरे को इसका जरूरत रहेगा तो फिर मैं यहां आ जाऊंगा, आ जाओ। देखिए अब ये है अंबिकापुर, जगह का नाम कौन से जिले में? सरगुजा जिले में। कौन से जिले में? सरगुजा जिले में। अंबिकापुर से इधर देखिए, सूरजपुर से एक रोड आया अंबिकापुर, अंबिकापुर से ये रोड चल दिया जसपुर। ये बताया चुका था ये कौन सा सड़क है? ओनली 43। क्या है ये? 43। इसकी लंबाई कितनी है? 353 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 353 किलोमीटर। चलो चल इसके बाद यहां से एक और तुमको बता चुका था 143B जो 15 किलोमीटर लंबा है। इधर देखो, अपने को उधर से कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब कहां से है? यहां से। ये सेंटर, और तहसीलों को मैं क्या बोला हूं, हमेशा बीच में क्या मारा जाएगा? डब्बे में है, गोल है, वेज है कि नॉन वेज? बीच में क्या है? ब्लू है, मतलब ये क्या है? वेज। रेड रहेगा तो ठीक है। ये हो गया तेरा बलरामपुर। ये कौन सा जगह हो गया? बलरामपुर। जिले का जिला मुख्यालय है करके मैं इसको ब्लॉक्स में डब्बे में डाला। इसके इससे जब आते रहोगे यहां पर एक पहले जगह पड़ जा रहेगा आपको, ये है राजपुर। क्या पड़ेगा? राजपुर। सीधा ऊपर में यहां पर आपको पड़ेगा रामानुज नगर। क्या है? रामानुज नगर। अब ध्यान से देखिए, रामानुज नगर के सीधा यहां पर वाड्रफ नगर। रामानुज नगर वाड्रफ नगर, रामानुज नगर वाड्रफ नगर। रामानुज के लेफ्ट रामचंद्रपुर, वाड्रफ नगर के लेफ्ट राम भगवान लक्ष्मण भगवान किस कुल के थे? सब जानते हो कौन से कुल के थे? रघुवंशी। कौन से कुल के थे? रघुवंशी। इसलिए इस क्षेत्र देखो, इस रघुनाथ नगर जगह का नाम क्या? इसका रघुनाथ नगर, RRR RRR। एक लाइन से RRR। वाओ, ठीक है। कौन बोलता है वाओ? कौन सा हीरो बोलता रे? सैफ अली खान। वाओ, हर बात में क्या बोलता है? वाओ, RRR, वाओ। इसका नाम रघुनाथ, सॉरी, हाँ ठीक है, रघुनाथ नगर।
इसके बाद रामचंद्रपुर और ये वाला क्या हो गया रामानुज नगर, ये है वाड्रफ नगर। इतना जगह किसी को याद हुआ कि नहीं, रघुनाथ नगर, रामचंद्रपुर, रामानुज नगर, वाड्रफ नगर, चारों तहसील है। चारों के चारों क्या है, ये ऊपर चार, ये कौन सा जगह बताया, राजपुर। राजपुर के बाजू में शंकरगढ़, राजपुर के बाजू में शंकरगढ़, शंकरगढ़ के बाजू में ये यहां पर याद रखना है कुसमी, और इन कुसमी के जस्ट ऊपर में सामरी, एक साथ बोला जाता है सामरी कुसमी तहसील, पहले अलग अलग था, सॉरी एक साथ बोलते थे, अब अलग अलग बोलना है, ठीक है, सामरी और कुसमी, चार चार, चार चार आठ, चार चार बीच में एक, कितने हो गए नौ। यहां पर पड़ता एक हो चांदो, ये ना हो पाएगा, लिख दे रहा हूं चांदो। चांदो के जस्ट नीचे थोड़ा सा यहां पर आएंगे तो चल गली, किधर और सेंटर में क्या है, बलराम, सेंटर में क्या है, अब एक तो बड़ा अजीब टाइप का नाम है डौरा कोचली, क्या है, जस्ट इधर पड़ेगा डौरा कोचली, डौरा कोचली, ये है तेरा चल गली, ये वाला है चांदो, ये वाला है बलरामपुर। धीरे धीरे संख्याएं बढ़ते जा रही है ना, चार चार आठ चार बारह, चार चार आठ चार बारह। इसके बाद देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट जगह अलग से प्लॉट करता हूं मैं, इसमें आगे जाएंगे तो यहां पर एक खास जगह पड़ेगा, नाम है ताता पानी। ये तहसील वहसील नहीं है, कलर देख लो क्या है, जगह का नाम क्या है, ताता पानी। छुओगे तो तात लगता है, तो छत्तीसगढ़ी अलग क्या बोलते हैं, तात पानी, नाम पड़ गया क्या, ताता पानी, ठीक है। भारत का पहला थर्मल, सॉरी जियो थर्मल, कैसा, जियो थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित है यहां पर, यहां पर गर्म पानी का स्रोत है, जाओगे तो पानी खौलता मिलेगा, खौलता हुआ पानी, कुछ कुछ पानी में धुआं उड़ता, जैसे भाप, जैसे पानी को गर्म करोगे तो पानी से क्या निकलता है, भाप, भाप निकलते रहता है पानी से, नाम इसीलिए पड़ गया क्या, ताता पानी। आगे बात करेंगे इसकी, जगह का नाम तो याद रखो ताता पानी, नाम क्या है, ताता पानी। ये वाला वाड्रफ नगर के आसपास ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पाल एरिया, क्या है क्या नहीं है सब छोड़ दो मेरे ऊपर, पाल एरिया, पाल क्षेत्र, ठीक। शंकरगढ़ तहसील में एक गुफा पड़ेगा, नाम है अर्जुनगढ़ की गुफा, शंकरगढ़ में कौन सा गुफा, अर्जुनगढ़ की गुफा। इतना में किसी को कोई समस्या होना नहीं चाहिए। ताता पानी के पास में एकदम फेमस कोयला क्षेत्र रामकोला, जगह का नाम क्या है, रामकोला, कोयला के लिए फेमस है। वैसे तेरा बलरामपुर भी कोयला के लिए फेमस है, रामानुज नगर भी कोयला के लिए फेमस है, बता तो दिया हूं। इतने एरिया को छोड़कर, इतने एरिया को छोड़कर बाकी सब में क्या पाया जाएगा, कोयला, क्या पाया जाएगा, कोयला। इतना एरिया बस क्या पाया जाएगा, बॉक्साइट, क्या पाया जाएगा,
दिखा देता हूँ, ये वाला ये देखो, ये रहा राजपुर, शंकरगढ़, सामरी, कुसमी, ये देखो। ये एरिया बस में क्या पाया जाएगा इतने में, बॉक्साइट। बाकी सब में क्या पाया जाएगा इधर? कोयला। ठीक है, क्या पाया जाएगा? कोयला, खास करके ताता पानी, राम कोला, ये सब भयंकर प्रसिद्ध क्या है? कोयला क्षेत्र, वाड्रफ नगर। ठीक, ये बता रहा था ना। ठीक है, कलर कैसे अचानक चेंज हो गया यार, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं नदियों का, काय का बात करते हैं नदियों का। तो सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहां पर एक चोटी बताया था, पखोना चोटी। कौन सी चोटी? जसपुर में, याद करिए, जसपुर में कौन सी चोटी? पखोना चोटी। पखोना चोटी से कौन सी नदी निकलती है? कन्हार नदी। और कन्हार नदी पर मनोरा तहसील में कौन सा वाटरफॉल? खुड़िया रानी वाटरफॉल। देखिए ये नदी ऐसे एंट्री करा, ध्यान से देखो मेरी बात, ये नदी है कन्हार। कौन सी नदी है ये? कन्हार नदी। कन्हार नदी पर जसपुर में मैं कल एक वाटरफॉल बताया था, कौन सा? खुड़िया रानी वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? खुड़िया रानी। देखिए जहां पर इससे एक आके नदी मिलेगी गलफुला, लड़कियों का आदत होता है मुंह फुला, इस नदी का नाम है गलफुला। नदी का नाम क्या है? गलफुला। और एक छोटी सी और नदी है इधर से आती है, सूर्या, इसका नाम क्या है? सूर्या। गलफुला, सूर्या और कन्हार, इन तीनों के संगम में इस जगह का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है यहां पर डीपाडी। जगह का क्या नाम है? डीपाडी। पूरे बलरामपुर का सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या है? डीपाडी। क्वेश्चन ये पूछ चुका है किनके किनके संगम पर है, तब बोलोगे आप गलफुला, कन्हार और सूर्या के संगम पर। किसके किसके संगम पर? गलफुला, सूर्या और कन्हार के संगम पर। क्वेश्चन पूछेगा डीपाडी पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, क्या ये? आर्कियोलॉजिकल साइट है डीपाडी, आर्कियोलॉजिकल साइट। डीपाडी आर्कियोलॉजिकल साइट किस नदी के तट पर है? एक लेना रहेगा तो लोगे कन्हार, एक नदी को लेना रहेगा तो क्या लोगे? कन्हार। कोई दिक्कत इतने में किसी को? एक नदी हो गया, कौन सा? कन्हार। एक नदी है चेनान नदी, नदी का नाम सुने, कौन सा नदी? चेनान। चेनान, इस चेनान पर एक वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का नाम है पवई वाटरफॉल। चेनान नदी पर कौन सा वाटरफॉल? पवई वाटरफॉल। और कन्हार नदी पर एक वाटरफॉल है, नाम है कोठली वाटरफॉल। वाटरफॉल का कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, यह है वाटरफॉल, यह है वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? देखो इसका नाम है पवई, इसका नाम है कोठली। चेनान नदी पर पवई, चेनान नदी पर पवई, और कन्हार नदी पर बलरामपुर की, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटरफॉल है। भेड़िया पत्थर वाटरफॉल है, और भी वाटरफॉल है, लेकिन
लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और परीक्षा में पूछा गया यही दो को है। आगे चलेंगे तो इस चेनान नदी के बीचों बीच, यहां पर इस चेनान नदी के बीचों बीच एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य, नाम है इसका सेमरसोत अभ्यारण्य, सेमरसोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेमरसोत अभ्यारण्य। बीच से गुजरती चेनान नदी, बीच से कौन सी नदी गुजरती है? चेनान नदी। साथ में याद रखिएगा, चेनान नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? तो पवई। कन्हार नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? तो कोठली। दीपाडी नामक पुरातात्विक स्थल किन किन नदियों के संगम पर है? गलफुला, सूर्या और कोठली, कन्हार, सॉरी कौन सा? कन्हार। ये कन्हार आगे जाकर इधर से देखो अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसका नाम है क्या? सोन नदी। ये सोन नदी में जाके मिल जाएगा। तो कन्हार किसकी ट्यूब्रिटरी है, किसकी सहायक है? सोन की। बाकी ये सब जितने दिख रहे हैं सब किसके ट्यूब्रिटरीज हैं? कन्हार। इतने में किसी को कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कुछ डिटेल नहीं है, इस सड़क का नाम याद रखना है जो कहां से निकल रहा है, अंबिकापुर से डायरेक्ट ये राजपुर, राजपुर से बलरामपुर, बलरामपुर से ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? तातापानी, तातापानी के बाद ये रामानुज नगर, रामानुज नगर से झारखंड की ओर निकल जाएगा NH 343। NH 343 ये 53 है कि 51 देख लेना इसको, 351 याद आ रहा है। 343 नेशनल हाईवे का नाम है, नेशनल हाईवे का नाम क्या है? NH 343। टोटल 110 किलोमीटर लंबा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितनी लंबी बहती है, गुजरता ये 100, कोई समस्या इतने में? देखिए अब NH 43 पर क्या देखने को मिलता है, अपने को सबसे पहला जगह पड़ेगा क्या? राजपुर। क्या जगह पड़ेगा? मात्र आपको यह जानना है बलरामपुर में इस रोड पर पहला पाया जाने वाला जगह राजपुर है। ये एक तहसील है विकासखंड, विकासखंड को अलग से बता देता हूं, ध्यान से देखो। एक ये विकासखंड है, एक ये विकासखंड है, एक सामरी, नहीं सामरी है, सामरी नीचे है, कुसमी ऊपर है। चलो कोई बात नहीं, सामरी कुसमी एक साथ बोलते हैं। चलो 1, 2, 3 यहां पर है, ये ऑलरेडी 4 हो गया, वाड्रफ नगर 5 हो गया, रामानुज नगर 6। ये 6 क्या है? ब्लॉक्स भी, तहसील के साथ साथ विकास खंड भी है, लेकिन तहसीलों की संख्या 12 हो गई है, विकास खंड की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6, ठीक है। अब बात करते हैं राजपुर का। राजपुर एक तहसील है, विकास खंड है, इससे ज्यादा इसमें जानने लायक कुछ नहीं है। आगे चलते हैं तो इस रोड पर अपने को जगह पड़ेगा, इस जगह का जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय का नाम क्या है? बलराम। ये इस जगह का जिला मुख्यालय पड़ा बलरामपुर। बलरामपुर सरगुजा जिले से अलग होकर, किससे अलग होकर? सरगुजा जिले से अलग होकर सन 2012 में एक सेपरेट जिला बना। 2012 में क्या बना? एक जिला बना। कब बना? 2012 में, ठीक है। साथ में याद रखिएगा 2012 में जिला बनता है। एक दो बातें ध्यान से सुनना, बलरामपुर जो है पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन, मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या 94.6%, लगभग 95% याद रखो आप। यहां पर कैसे लोग रहते हैं? ग्रामीण। अब बच गए वो क्या है, जो बच गया क्या है वो? अरे जो लड़का नहीं है वो क्या है? लड़की। तो जो ग्रामीण नहीं बच गया वो क्या हो जाएगा? शहरी। क्या हो जाएगा? शहरी। तो शहरी पॉपुलेशन लगभग 4 point something है, 5 ही मान के चलोगे तो भी चल जाएगा, वो 95 से ज्यादा है, ठीक है, 95.4 है।
लगभग 96% और 4.45% क्या है यहाँ पर शहरी है। तो अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम, ध्यान से मेरी बात सुनिए, शहरी पॉपुलेशन सबसे कम लेकिन रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। एक बात बलरामपुर से दूसरा बात याद रखना है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान 16 आदिवासी जिलों में एक जिला है ये। छत्तीसगढ़ में टोटल पूर्णतः आदिवासी जिलों की संख्या, ट्राइब डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, पूर्णतः 16 जिले कैसे हैं आदिवासी जिले, ऊपर का 6 का 6 है। कितने हैं ऊपर में सरगुजा संभाग में, कितने 6, 6 के 6 सब के सब, कोरिया भी है, सूरजपुर भी है, बलरामपुर भी है, जसपुर भी है, सरगुजा भी है, ठीक है, एमसीबी भी है, ये 6 के 6 क्या हैं आदिवासी जिले हैं। टोटल छत्तीसगढ़ में 12 जिले मिलेट मिशन में शामिल हैं। कौन सा मिशन? मिलेट मिशन। कितने जिले शामिल हैं? 12 उसमें शामिल, आदिवासी जिलों में शामिल है मिलेट मिशन। मिलेट मिशन का मतलब होता है मोटा नाच। कौन सा नाच? मोटा नाच। खास करके याद रखना है मक्का। कौन सा? मक्का। तो मिलेट मिशन में शामिल है, पूर्णतः आदिवासी जिला है, सबसे ज्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन वाला है, ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ना, किसके अनुसार? प्रतिशत के अनुसार। क्योंकि अगर दुर्ग रायपुर का 20% यहाँ का पूरा पॉपुलेशन, 25% रायपुर का जनसंख्या और इसका पूरा जनसंख्या बराबर होगा। 25 लाख अभी वर्तमान में किसका पॉपुलेशन हो गया होगा? रायपुर का। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन 5 लाख, तो 1/5 हो गया, 20% के बराबर ही तो हुआ। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज सबसे ज्यादा ग्रामीण कहां पर है? बलरामपुर। यहां पर विशेष तौर पर 3 जनजाति बता रहा हूं, है तो बहुत सारी, 3 याद रखना आज। इन 3 जनजातियों में पहली जनजाति याद रखना कोरकू। कौन सी जनजाति? कोरकू। नाम से स्पष्ट है, कोड़ने वाला, डिगिंग। क्या काम है इनका? परंपरागत काम है, जमीन कोड़ने का काम करने वाली जनजाति का नाम है कोरकू। एक जनजाति याद हुआ। दूसरी जनजाति याद रखना है यहां पर पारधी। कौन सी जनजाति? पारधी। काले पक्षियों का विशेष तौर पर शिकार करती है पारधी। कौन सी जनजाति? पारधी। तीसरी जनजाति का नाम याद रखना है आपको खैरवार। कौन सी जनजाति? खैरवार। एक जनजाति है, खैर मतलब होता है कत्था, कत्थे का पेड़ निकलता है खैर के पेड़ से। पान खाते हो? पान, पान में सबसे पहले चूना लगता है कि कत्था? सबसे पहले दुनिया को लगता है चूना, इसलिए क्या लगेगा? चूना। फिर क्या लगता है? कत्था। ये जो कत्था लगा, पान खाए सैया हमार, ये कत्था निकलता है खैर के पेड़ से। पेड़ किसका होता है? और विशेष तौर पर ये निकालने का काम करती खैरवार जनजाति। कौन सी जनजाति? अब देखो, उराव पाया जाएगा, पहाड़ी कोरवा पाया जाएगा, नगेसिया पाया जाएगा, ये तो पाया ही जाएगा, लेकिन ये 3 विशेष तौर पर याद रखना। कितना? ठीक। अब इसके ऊपर चलते हैं, जगह पड़ेगा अपने को। रामकोला एक क्षेत्र है, छोड़ दो, ताता पानी इसको छोड़ दीजिए, कोयला के लिए फेमस है बस। ताता पानी नाम से स्पष्ट है, तात का मतलब होता है गर्म और पानी समझते हो वाटर, हॉट वाटर का नेचुरली यहां पर फुहारा है, सोर्सेस हैं। गर्म पानी का यहां पर क्या है? नेचुरली। तो जनश्रुति 2 ठोक है। एक आज देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या फेमस? जनश्रुति मतलब झूठ, मतलब डोकरा ढाकरी लोग अपने पीढ़ी सुनाए, वो उसको सुनाया, एक दूसरे को सुन सुन कर, सुन जन, जन मतलब लोग,
लोग सुन सुनकर जो एक दूसरे को फैलाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जनश्रुति। तो जनश्रुति के अनुसार सीता माता और राम भगवान इधर तो बहुत घूमे वो लोग, है ना भाई। रामचंद्रपुर क्यों नाम पड़ेगा, रामानुज नगर, राम का अनुज नाम क्यों पड़ेगा, इसके कुल का नाम रघु, रघुनाथ, रघुनाथ नगर, ये सब नाम क्यों पड़ेगा, क्योंकि रामायण काल से ये संबंधित स्थल है। तो इस कारण से जब सीता माता और राम भगवान यहाँ पर थे तो जो पढ़ाई में उस समय मिट्टी के पॉट हुआ कर, तो बचे हुए तेल को क्या कर रही थी, ले जा रही थी। तो ये राम भगवान क्या किए, पत्थर मार के कढ़ाई फोड़ दिए, उसका तेल वहीं पर गिर गया, और जहां पर गरम गरम तेल गिरा वहीं पर क्या निकलना चालू, गरम पानी का सोर्स। एक मैं नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, ये गरम पानी का क्या निकलने लगा, सोर्स। एक पहली जनश्रुति। दूसरी जनश्रुति शिव भगवान और पार्वती माता के ऊपर, ऐसा बोला कि शिव भगवान और पार्वती माता यहाँ पर विचरण करते करते आए, यहीं पर अच्छा जगह देख के बैठ गए, कमंडल को भूल के चल दिए। अब वो कमंडल क्या हुआ, गरम गरम क्या निकालने चालू कर दिया, पानी, शिव भगवान का कमंडल जी। ये है सब क्या है, जनश्रुतियां, क्या है सब, जनश्रुति। एक्चुअल कारण साइंस। पूरे भारत में दो ही जगह ऐसे हैं जहां पर गर्म पानी का सोर्स है, इसीलिए यहां पर भारत सरकार बना रहा है जियो थर्मल प्लांट, ठीक है, 30 मेगावाट से बढ़ाकर अब उसकी कैपेसिटी को 40 मेगावाट कर दिया। तो 30 भी देगा तो सही लेना है आपको, 40 भी देगा तो क्या लेना है, सही लेना है, ठीक है। तो यहां पर ये कितने मेगावाट जियो थर्मल प्लांट प्रस्तावित है, 40 मेगावाट। इस पानी से कितना बिजली उत्पन्न करना है, 40 मेगावाट। पूरे भारत में दो जगह, पहला जगह ये, दूसरा जगह जम्मू कश्मीर का लेह, जम्मू कश्मीर का लेह। चले आगे, अब देखो छत्तीसगढ़ के लोगों को ऐसे ही सबका मौका का मजा लेना रहता है, ठीक। हुआ क्या, तो हर साल यहां पर देखो इसके पानी में पाया जाता है सल्फर, हिंदी में बोलते गंधक, पानी में क्या मिलता है, गंधक, सल्फर पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर चर्म रोग है किसी को, स्किन डिसीज, स्किन से संबंधित बीमारी है पूरा करिया लेकिन मुंह पूरा सफेद, अरे देखा कई लोग को पूरा सफेद सफेद दिखते हैं, चमड़ी निकल जा रहा था अरे ऊपर, स्किन संबंधी एक से एक बीमारी होती है, पूरा कहीं नहीं है यहाँ पर भर दाग है, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको होता है वो जानता है। तो कई सारे लोगों को कैसा बीमारी होता है, स्किन संबंधी। तो ऐसा यहाँ के लोगों का ये है कि इसको यहाँ पर स्किन में इसके पानी को लगाने से क्या हो जाता है, चर्म रोग क्या कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। इसीलिए खास तौर पर डेट के साथ याद रखना, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन हर साल ताता पानी महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ताता पानी महोत्सव, किस दिन, मकर संक्रांति के दिन ताता पानी महोत्सव। छत्तीसगढ़ में महोत्सव हो चाहे मेला हो चाहे किसी भी प्रकार का मड़ई हो, एक सूत्री टेंट गड़ेगा, ठीक है, क्या गड़ेगा, टेंट गड़ेगा, और तरह तरह का पकवान बनेगा, खास तौर पर रसगुल्ला, चार पांच रसगुल्ला रहेगा, एक तो झिल्ली में डालेंगे, थोड़ा सा रस रहेगा, और वो रस कहाँ लटके रहेगा, रस्सी में, पैसा तो लेके आओ। यहाँ के लोग मेला भर बोल दे, छत्तीसगढ़ की महिलाएं मेला जाना है, मतलब मेला जाना है इसका, अरे आप लोग नहीं देखे हो लेकिन डोंगरगढ़ जब आप नवरात्रि में गए तो मेले में ही गए हो तो देखना, गांव गांव नीचे मस्त दरी लगा के सो रहता है, बिंदास, कोई मतलब नहीं, दो तीन दिन का प्रोग्राम रहता है उनका, तुमको जाना है दो घंटे में दर्शन करना है वापस आना है, तुम्हारा टोटल 8 घंटे का प्रोसेस उनका, अरे टेंशन फ्री, 3 दिन लग जाए ट्रैक्टर ट्रैक्टर भर के, समझ में आ रहा है, एकदम बिंदास। क्या है देखो, मजदूरों को थक जाते तो उनके जो जितने भी मालिक होते हैं वो सब भर के ले जाते हैं, पूरा सूतने उतने का पूरा व्यवस्था लेके जाते हैं, उनका पद चले इतना दिन ना आए, ठीक है, लेकिन यहाँ बेचारा पति खाना बना रहा है रोज घर में अपना,
तो उसके लिए जबरदस्ती क्या करते हैं, वो हमको इतना दूर भेजा है, मुंह मीठा कर लेगा बोल के क्या ले जाते हैं उधर, उसके लिए क्या ले जाया जाता है, रसगुल्ला, पूरा धूल रहता है उसमें, वही तो स्वाद बढ़ाता है, वही क्या बढ़ाता है, स्वाद। और ये चल रहा है गुपचुप की सर्दी में, खट्टा पानी और खट्टा हो गया, ये सब मेला हाट के विशेषताएं, ठीक है। 90% लोगों को देखा हूं ऐसे ऐसे करते हैं, फिर दोनक देते हैं, इधर इधर ये पीठ को खजवा लिए, फिर हसीना पसीना निकाल के, मैं 90% गुपचुप वाले देखा हूं, ठीक है। ये अभी थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, जब से वीडियो वीडियो बनना चालू हो गया ना, तब से ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, कम हो गया, वरना हर गुपचुप वाले का 90% ऐसे करते थे, वीडियो वायरल का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो है कि नहीं है ऐसा, उसके बाद ही तो कम हुआ है, फिर अल्लाह अब थोड़ा सा ग्लव्स व्लव्स पहन के सिस्टमेटिक, ठीक है, अब देते खा लो, ठीक है। ये हमारे मेला, तो ताता पानी महोत्सव मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पर याद रखना है, यहाँ पर होता है। इसकी मान्यता ये है कि इस दिन यहाँ पर स्नान करने से क्या दूर होता है, चर्म रोग। हर साल याद रखना है ताता पानी महोत्सव मनाया जाता है, हर साल, क्या कौन सा महोत्सव, ताता पानी महोत्सव, कौन सा महोत्सव, ताता पानी महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, देखो भारत में केवल कितने जियो थर्मल पावर प्लांट, दो, पहला कहां, यहां, दूसरा कहां, लेह लद्दाख में, ठीक है। हर साल कौन सा, मकर संक्रांति में काय का मेला लगेगा, ताता पानी महोत्सव। अब आपका काम यह है कि इस बार कौन से क्रम का ताता पानी महोत्सव मनाया गया था, इतना अपडेट कर लेना बस, क्रम को, किसको, क्रम, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाला है तो पिछले बार तो निकला होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो ये जगह पड़ेगा रामानुज नगर, कुछ नहीं जानना है, एक तहसील है, विकास खंड है, रामायणकालीन स्थल है, तहसील है, विकास खंड है, रामायणकालीन क्या है, स्थल है, ठीक है, बस। इसके बाद कुछ खास नहीं है, वाड्रप, ये देखो रामचंद्र नगर, रामचंद्रपुर तहसील है, बस। दूसरा वाड्रफ नगर तहसील है, रघुनाथ नगर तहसील है। वाड्रफ नगर के पास एक एरिया है जिसको अपन पाल एरिया के नाम से जानते हैं, कौन सा एरिया, पाल एरिया। इसकी खासियत यह है यहाँ पर खैर और बांस और साल भी, तो साल तो पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जा रहा है, छोड़ दो, दो दो प्रकार के विशेष पेड़, बांस, सरगुजा में जाओगे तो इतना मोटा मोटा बांस मैंने खुद देखा है अंबिकापुर में, ठीक है, खेल देखा था, इतना मोटा मोटा बांस, खलाई वलाई होता है ना अब उस समय, बांस वांस, इतना मोटा मोटा बांस, ठीक है, बांस का प्रकार पढ़ना है अपने को, ठीक है, अटंगी कटंगी कई बांस का प्रकार होता है, नर बांस छोड़ दे, ठीक है, तो ये इतने मोटे मोटे बांस, तो ये क्षेत्र बांस के लिए और खैर के लिए, खैर मतलब खैर के पेड़ से क्या निकलता है, तथा ये एरिया उसके लिए खास फेमस है। इनका भी नाम जानना है, नया नया है, दौरा कोचली, चल गली, ये तेरा चांदो, ये सब क्या है, नए नए तहसील हैं, इसकी कोई खासियत नहीं है। अब देखो ध्यान से, शंकरगढ़, जगह का नाम क्या है, शंकरगढ़, शंकरगढ़ पहला बात तो एक तहसील है, विकास खंड है, शंकरगढ़ क्या है, एक तहसील है, विकास खंड है। उसके बाद याद रखना है यहीं पर एक गुफा है, नाम क्या उसका, अर्जुनगढ़ की गुफा, इसी गुफा को घरिया लता गुफा के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन दोनों आ चुका है, अर्जुनगढ़ की गुफा या घरिया लता की गुफा, दोनों नाम से जाना जाता है, कभी अर्जुनगढ़ की गुफा कहाँ है पूछ देता है, कभी घरिया लता गुफा कहाँ है बोल देता है, ठीक है। यहीं पर एक पत्थर पाया जाता है, विशेष तौर पर नाम है भेड़िया पत्थर, इसी शंकरगढ़ तहसील में पत्थरों, देखो, और यहीं पर एक वाटरफॉल है, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल,
क्वेश्चन याद रखना, भेड़िया पत्थर नामक जगह कहाँ है तो भी शंकरगढ़ तहसील में, घरियाल घरियालता कहाँ गुफा कहाँ पर है तो भी शंकरगढ़ तहसील में, अर्जुनगढ़ की गुफा कहाँ है तो भी शंकरगढ़ तहसील में। शंकरगढ़ एक तहसील है साथ साथ विकास खंड भी है। तीन बातें शंकरगढ़ से, पहला बात अर्जुनगढ़ की गुफा, दूसरा बात घरियालता गुफा और तीसरा बात भेड़िया पत्थर। भेड़िया पत्थर के नाम से क्या है, वाटरफॉल भी है, तो भेड़िया पत्थर वाटरफॉल किस जिले में है यही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे नाले और नदियां हैं कि हर किस नदियां नहीं है, पानी बरसात में बन जाता है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, इसलिए क्या बन जाता है, वाटरफॉल नेचुरली बन जाता है बरसात में, बाकी समय जाकर देखोगे तो ठनठन गोपाल, ठीक है ये। इसके बाद इंपॉर्टेंट जगह उधर जाएंगे, सामरी कुसमी तहसील, एक साथ बता रहा हूं, सामरी कुसमी तहसील, ठीक है। अब ये देखो ये जो एरिया है ये एक अलग अलग एरिया है, ये एक अलग, सामरी कुसमी को छोड़ते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं डीपाडी का, सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सा है, डीपाडी, कौन सा जगह, डीपाडी। तो डीपाडी किस नदी के तट पर है, एक लेना है तो, एक लेना है तो कन्हार नदी, संगम लेना है तो कन्हार, गलफुला और सूर्या, कन्हार गलफुला और सूर्या के संगम पर एक छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट। पुरातात्विक स्थल का मतलब होता है ऐसे स्थल जो हमको पुराने समय प्राचीन समय की जानकारियां देते हैं, इसको बोला जाता है क्या, पुरातात्विक स्थल। यहां पर एकदम ध्यान से जो जो बातें बोल रहा हूं, 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी पर, 8th century to 14th century के रिमेनिंग्स अवशेष एवं आइडियल्स मूर्तियां पाई गई। 8वीं से 14वीं शताब्दी के क्या पाए गए, मूर्तियां, आइडियल्स एंड रिमेनिंग्स। दूसरी बात, यहां पर तीन चार चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है सामत सरना का मंदिर, सामत सरना का शिव मंदिर। सामत नाम का एक राजा था, सामत नाम का क्या था, एक राजा था, ये युद्ध में मारा जाता है तो इसकी तीन रानियां रहती है, एक ठो से काम कहां चलेगा राजा लोग का, कितनी रानियां रहती है, तीन रानियां, ये तीनों रानियां यहीं पर एक सामत सरोवर होता है, ये भी याद रखना, सामत सरोवर, इसमें जाकर क्या कर लेते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित यहां पर एक शिव मंदिर है, नाम है सामत सरना का शिव मंदिर। इस शिव मंदिर में दर्शन करने से पहले उस तालाब में क्या किया जाता था, स्नान किया जाता था, इसलिए उसका नाम याद रखना है, कौन सा सरोवर, रानी पोखरा नाम था उसका, तालाब का क्या नाम था, रानी पोखरा, उस पे स्नान करते थे फिर इस शिव मंदिर के दर्शन करते थे, सामत सरना का शिव मंदिर। 500 बार सवाल पूछा है, सामत सरना का शिव मंदिर, सामत सरना का शिव मंदिर। अब यहां पर फेमस फेमस चार ठो टीला याद रखना, टीला का मतलब होता है जगह, टीला का मतलब क्या होता है, प्लेस। अभी तुम लोग टीला मतलब पत्थर का वो समझते हो, सरगुजिया में टीला मतलब होता है क्या, जगह। उराव टीला नाम पहले याद करना है, उराव टीला, आमा टीला, सेलम टीला, कितना हुआ, पहला उराव टीला, दूसरा आमा टीला, तीसरा सेलम टीला, एक होता है बुरजोर टीला, चार, बुरजरा या बुरजोर टीला, चारों टीला का नाम याद हुआ। चार ठो टीला है, पहला बोला उराव टीला, उराव टीला, दूसरा आमा टीला, तीसरा सेलम टीला और चौथा क्या है, गुर्जरा टीला।
ये चार ठो क्या है टीला है। उराव टीला में खास याद रखना है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पर क्या है शिव मंदिर, क्या है एक शिव मंदिर। और इसमें याद रखना है इस वाले में लास्ट वाले में यहाँ पर है सूर्य मंदिर, यहाँ पर क्या है सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य को ही एक और नाम है मार्तंड, इसलिए इसे बोला जाता है मार्तंड मंदिर। ठीक है, इसमें एक खासियत और याद रखना है, शिव मंदिर किस पर्वत पर है, तो चैत पहाड़ पर, चैत पहाड़ या चैत पहाड़ी। चैत पहाड़ी पर क्या है उराव टीला में शिव मंदिर है, किस पहाड़ी पर, चैत पहाड़ी पर, कौन से पहाड़ी पर, चैत पहाड़ी पर। इतनी बातें याद हुई, पहला बात तो मैं क्या बताया भैया आपको, इधर देखो यहां पर जो शिव सामत सरना का शिव मंदिर है, ये इसका शैली पूछा था एक बार, ये है पंचायतन शैली पर बना है। आज आपको पंचायत कई बार पढ़ाऊंगा, ये पंचायतन शैली, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मतलब समझ लीजिए, चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर होंगे, ये चार ढोक चार साइड से घिरा होगा, बीच में एक बड़ा मंदिर होगा ऐसा, छोटा मंदिर छोटे, देखो एक दो चार, बीच में ऐसा बड़ा मंदिर होगा, चार और एक, ऐसी शैली हो जाएगी। तो किस शैली पर बनी है सामत सरना का शिव मंदिर, किस शैली पर बना है, पंचायतन शैली पर। ठीक है, कौन से शैली पर बना है, पंचायतन। तीन चार ठो टीले का नाम याद रखना, उसके बाद बोला मैं यहां से रिमेनिंग्स 8वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक के अवशेष, खास करके एक बार क्वेश्चन पूछा था किस धर्म से संबंधित यहां पर अवशेष पाए गए, तो सबसे पहले याद रखना है सेविज्म, शैव धर्म, कौन सा धर्म, शैव धर्म। और दूसरा याद रखना है शाक्त धर्म, शक्ति, सारी शक्तियां तो देवियों के पास है, देवता बिचारे तो बस जनगणना में शामिल होते हैं, काय में जनगणना में, सारी शक्तियां किसके पास है, अरे भाई ये चाहिए तो काली माता के पास जा, ये वाला चाहिए तो दुर्गा माता के पास जा, बुद्धि चाहिए तो देवता लोग, किसी को सुता दिया है, किसी को क्या किया है, सुता दिया है, और किसी का बदला लेना है बेचारे के गलम सांप लपेट दिए हैं, देवता लोग के पास कुछ नहीं है, ये जनगणना वाले हैं, क्या वाले हैं, जनगणना। शाक्त मतलब याद रखना है जितनी भी शक्तियों की आप उपासना करते हैं सब क्या जाएगा, शाक्त धर्म। ठीक है, शैव धर्म, शैविज्म एंड शाक्त। ठीक है, पंचायतन शैली में बना है। अब और ध्यान से देखो, यहां पर एक सूर्य मंदिर है, दीपाडी में क्या है, सूर्य मंदिर है, बौद्ध भिक्षुओं के भी यहां से प्रमाण मिले हैं, बौद्धिज्म, बौद्ध भिक्षुओं के भी यहां से क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, और एक ब्रह्मा की मूर्ति मिली है। विशेष तौर पर क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, ब्रह्मा की एक विशेष मूर्ति जिसमें एक लौता मूर्ति जिसमें ब्रह्मा जी का क्या नहीं है, दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति, क्वेश्चन ऐसी आया है, एकमात्र छत्तीसगढ़ में स्थान जहां पर ब्रह्मा की ऐसी मूर्ति मिली है जहां पर उसमें दाढ़ी, बिना दाढ़ी मूछ के, तू फोटो देखा है कभी ब्रह्मा जी का, कभी ऐसा आप फोटो देखे ही नहीं होंगे जिसमें क्या ना हो, दाढ़ी मूछ। तो ब्रह्मा की दाढ़ी और मूछ विहीन, मतलब दोनों नहीं है, क्लीन चट, कहां पर मिलेगा, दीपाडी, ये है दीपाडी, ये क्या है दीपाडी। ठीक, ये जगह है सामरी कुसमी तहसील। देखो मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूं, और ये कौन, देखो ये वाला जो ये वाला इलाका है, हाँ ये ठीक है एकदम मस्त, इतना ये देखो, ये पूरा का पूरा कौन सा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पड़ता है, क्या पड़ता है, एक साथ मैं इसको बोलता हूं तो ये है कुसमी को छोड़ दो सामरी, सामरी को अगर मैं दो भाग में बांटा तो इस पार वाले को बोलते हैं लहसुन पाट, क्या बोलते हैं, लहसुन पाट, और इस पार वाला कहलाता है जारंग पार्ट, जारंग पार्ट। ऑलरेडी दो पार्ट और है, सामरी पार्ट और कुसमी पार्ट,
टोटल कितने पार्ट हो गए? चार। गोली मार उसको, ठीक है, चार पार्ट। कितने पार्ट? चार। लहसुन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, कुसमी पार्ट, ये सब के सब कहां है? बलरामपुर में। जसपुर पार्ट, जसपुर में। पंडरा पार्ट, कदम पार्ट, जसपुर में। केरा पार्ट, केंद्रो पार्ट, सब जसपुर में। वो जसपुर की बात थी। यहां पर चार। यहां पर पटेगा जमीर पार्ट, ये है जमीर, ये क्या है? सरगुजा। ये कौन सा जगह है? इसीलिए सब पार्ट 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 को मिलाकर एक भौगोलिक, एक फिजिकल रीजन बना दिया गया, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश। ये लहसुन पार्ट, ये जारंग पार्ट। अब और ध्यान से देखो, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी 1225 मीटर ऊंचाई के साथ ये जगह, ये देखो, इस पीक पॉइंट का नाम है गौर लाटा। गौर लाटा छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी, गौर लाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, गौर लाटा किस जिले में है, किस पार्ट में है? तो सबसे पहले सामरी पार्ट। ये पूरा क्या है? सामरी। ये देखो जारंग पार्ट, और ये देखो लहसुन पार्ट। इधर मान ले कुसमी पार्ट ऊपर है, मान ले कुसमी पार्ट उधर, उसको ध्यान छोड़ दो। लहसुन पार्ट और जारंग पार्ट, ये दोनों हिस्सा किसके हैं? सामरी पार्ट के। किसके हिस्से हैं? तो सबसे पहले तो सामरी पार्ट का हिस्सा है, तो सामरी पार्ट। और डीपली पूछेगा तो, और गौर लाटा चोटी किस पार्ट में है, और डीपली जाएगा तो क्या पूछेगा? लहसुन पार्ट। नॉर्मली आपको क्या लेना है? सामरी पार्ट। क्या लेना है आपको? सामरी पार्ट। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है? गौर लाटा। सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है इसका? गौर लाटा। ऊंचाई 1225, सबसे ऊंचा 1225 मीटर रे, किलोमीटर मत बोल, नंबर जाओगे। 1225 मीटर, 1225 मीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ऊंचा, सबसे ऊंचा पीक पॉइंट। ये हो गया पाठ प्रदेश। फिर वापस आओ नक्शे, इधर आते हैं। अब ये देखो बची हुई क्या है? केवल नदियां। ये कन्हार नदी, कन्हार नदी बखोना से निकलती है। इस पर बलरामपुर में कौन सा वाटरफॉल? कोठली वाटरफॉल। बलरामपुर में कौन सा वाटरफॉल? कोठली वाटरफॉल। आगे चलते हैं तो ये धीरे 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 नेचुरली कौन सी नदी प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ और झारखंड का नेचुरल बाउंड्री बनाती है? तो देखो इस पार झारखंड है, इस पार छत्तीसगढ़, और पूरा बॉर्डर बॉर्डर पर कौन सी नदी बह रही है? कन्हार नदी। कौन सी नदी? तो कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड का प्राकृतिक क्या बनाता है? बाउंड्री, एक बात। दूसरी बात, इसकी एक ट्यूब्रिटरी है, इसका नाम है चेनान नदी। इस नदी का नाम क्या है? चेनान नदी। चेनान नदी पर वाटरफॉल का नाम क्या है? पवई। पवई नहीं रे, हाँ रोटी पो देंगे नहीं तेरा भी, हाँ पवई। कौन सा नदी, सॉरी, चेनान नदी पर कौन सा वाटरफॉल? पवई। भेड़िया पतना वाटरफॉल किस जिले में है? बलरामपुर, ठीक। इसके बीचों बीच एक अभ्यारण, इसी नदी के बीच से एक अभ्यारण, याद रखना आपको, इसके बीचों बीच एक अभ्यारण है, नाम क्या है? सेमरसोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 11 में ये दूसरा। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने? 11। इसमें से एक कहां मिलेगा आपको? बलरामपुर में। एक जसपुर में बता दिया था, 105 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ सबसे छोटा। इसका याद रखना है 430 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1978 में फॉर्मेशन हुआ इसका, उसका 1975 में हुआ था। ये कब बनता है? 1978 में। कब बनता है ये? 1978 में। देखो जानवर कई छो याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, एक जानवर जरूर याद रखना। ये यूपी का खास एक जानवर है, नील गाय। यहां क्या पाया जाएगा? नील गाय, नील गाय। तुम लोग को कई सारे जानवरों का नाम नहीं मालूम है, तेरे को पता है? लेब्राडोर किसको बोलते हैं? कुकुर का प्रजाति रे, लेब्राडोर, ठीक है। अरे लेब्राडोर डॉग, ठीक है। शाकाहारी सारे जानवर क्या होंगे? यहां पाए जाएंगे। सेमर सोत अभ्यारण,
1978 का ये अभ्यारण है, याद रखना है 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक, देख और कुछ समस्या दिख रहा है तेरे को तो? पेनगंगा जलप्रपात प्रपात और आवरा झरिया जलप्रपात, दो और जलप्रपात याद रखना इसी जिले में है। पेनगंगा जलप्रपात, वेनगंगा नाम की नदी है एक ठोक अलग से इंडिया में पढ़ाना है, ये है वेनगंगा वाटरफॉल, और एक है आवरा झरिया। आवरा झरिया वाटरफॉल, अरे कुछ नहीं है, बड़ा परेशान करते हैं छोटा छोटा, बरसात में अभी बरसात का समय चल रहा है, अच्छा हुआ इधर पहाड़ नहीं, यहां भी गिर जाता एक ठोक और क्या बन जाता, वाटरफॉल है क्या डबरा वरा पारा में, क्या पता। एक जना आज अजीब टाइप का नाम बताया मेरे को, डबरा पारा स्कूल का एक ठोक डीवी क्या एच ओ एस ऐसे बोला, बोला अरे बाप रे कौन, मैं सोचा डीपीएस का कोई ब्रांच है, आ क्या है पूरा नाम उसका, ओ देख मैं टेंशन में आ गया था, बोले डबरा पारा में, अरे सवेरे एक लड़की बताई मेरे को, ठीक है कौन सा ब्रांच, डीपीएस, ठीक चलिए देखिए कोई समस्या है तो देखिए, आवरा झरिया, वेनगंगा वाटरफॉल, भेड़िया पखना, कोठली वाटरफॉल, इसके बाद आपको और क्या बताया मैं, पवई वाटरफॉल, ये कुछ वाटरफॉल हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डीपाडी यहाँ पर और ताता पानी, डीपाडी और ताता पानी, ये पार्ट एरिया को देखो, पार्ट एरिया में पूरा पाया जाएगा बॉक्साइड, पार्ट एरिया में क्या पाया जाएगा बॉक्साइड, और जितना खाली जगह दिख रहा है पार्ट एरिया के बाद जो बच गया